भारत में लोकप्रिय बच्चों की पौराणिक कहानियों में से एक है अलिफ लैला, जिसे अरेबियन नाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ये कहानियाँ एक विशाल संग्रह है जो अरब देशों की लोक कथाओं, किस्सों और दंत कथाओं से प्रेरित है। इस संग्रह में 1000 से भी ज्यादा कहानियाँ शामिल है जो प्रेम, रोमांच, जादू और रहस्यों से भरी हुई है। अलिफ लैला की कहानियाँ बच्चों को उनकी कल्पना की दुनिया में ले जाती है, जहाँ वे राजा और रानी, परी और जादूगरों के साथ रोमांचक यात्राओं पर जा सकते हैं। ये कहानियाँ बच्चों को नैतिकता के पाठ भी सिखाती है और उन्हें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में लेकर आए हैं ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है दरियावार की शहजादी। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। शहजादी ने जैनसम और हैरन के 49 शहजादों की कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि मैं काहिरा के पास के द्वीप दरियावार के बादशाह की बेटी हूँ। मेरे अब्बा ने सालों दुआ की थी, जिसके बाद मैं पैदा हुई। मुझे उन्होंने राजनीति, घुड़सवारी और राज्यों को चलाने के लिए जरूरी अन्य सभी कौशल की विद्या दी। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद में ही दरियावार के सभी कामकाज देखें। शहजादी ने आगे कहा कि एक दिन मेरे अब्बा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जाते जाते वे घने जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े शरीर वाले आदमी को देखा, जिसके पास एक महिला और एक छोटा बच्चा रो रहे थे। वो आदमी खूब सारा खाना खाने के बाद उस महिला पर विवाह करने के लिए दबाव डाल रहा था। वो लड़की नहीं मानी तो वह उस पर नाराज हुआ। मेरे पिता दूर से ही वह सब देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि वो आदमी उस लड़की पर हाथ उठाने वाला है, तो उन्होंने अपनी कमान से तीर छोड़ दिया, जो सीधा उस आदमी के सीने पर जाकर लगा। उसी वक्त उस राक्षस की मौत हो गई। मेरे पिता ने उस महिला से उसकी पूरी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि वो पास ही के सरासन कबीले के मुखिया की बेटी है, और जिसे तुमने मारा है वो हमारे घर में ही काम किया करता था। उसकी नजर मुझ पर बहुत पहले से थी। एक दिन मौका पाकर वो मुझे और मेरे बेटे को इस जंगल में ले आया और शादी करने के लिए जोर डालने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर वापस जाकर क्या कहूँगी। शहजादी ने कहा कि उस लड़की की बात सुनते ही मेरे पिता उसे अपने साथ अपने महल ले आए। उन्होंने उस महिला और उस बेटे का काफी ख्याल रखा। जैसे उस महिला का बेटा बड़ा हो गया, तो सभी ने मेरी और उस लड़के की शादी की बात शुरू कर दी। वो लड़का बलवान और बुद्धिमान था, इसलिए मेरे अब्बा ने हमारा निकाह तय कर दिया। उसके बाद उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले इस लड़के से कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करने वाले हो, मैं शादी के बाद तुम्हें यहाँ का बादशाह बना दूंगा। यह सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। तब दरियावार के बादशाह ने कहा कि बस मेरी एक शर्त है। उस लड़के ने मेरे अब्बा से पूछा कि आखिर वो शर्त क्या है। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम मेरी बेटी से निकाह करने के बाद किसी दूसरे लड़की से शादी नहीं करोगे। अगर तुम ये वादा करोगे तो ही मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करवाऊंगा। ये सुनते ही उस लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि वो होने वाला बादशाह है और बादशाहों के कई पत्नियां होती हैं। इतना सुनते ही बादशाह ने वो निकाह तोड़ दिया। इससे उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे पिता को जान से मार दिया। फिर वो मुझे मारने के लिए ढूंढने लगा। तभी मंत्री ने मुझे एक गुप्त रास्ता दिखाकर वहाँ से भागने के लिए कहा। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। मैं भागकर एक जहाज में बैठ गई। तभी नदी में इतना तेज तूफान आया कि जहाज डूब गया। किसी तरह से मैं बचकर नदी के किनारे पहुंच गई। वो एक सुनसान जगह थी, वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैं जोर जोर से रोने लगी। एक दिन बाद वहाँ कुछ लोग आए। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन डर में और भी ज्यादा रोने लगी। उसके बाद एक घोड़े पे एक लड़का आया और मुझसे फिर सवाल करने लगी। उसने मुझसे कहा कि वो शहजादा है और वो मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उस पर भरोसा करके उसे सब कुछ बता दिया। तब वो तुरंत मुझे अपने घर ले गया और अपने परिवार से मिलवाया। कुछ समय बाद उस लड़के के घर वालों ने मेरी और उस लड़के की शादी करवा दी। शादी के पहले दिन ही उसके राज्य में दुश्मनों ने हमला कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उस राज्य के सभी लोगों को मार दिया। किसी तरह मैं और मेरे पति वहाँ से भाग गए। हमें पास ही की नदी में एक नाव दिखी। हम तुरंत उस पर बैठ गए। हवा का रुख उल्टा और तेज था, इसलिए हमारी नाव किसी गलत दिशा की ओर चली गई। तभी सामने से एक बड़ा सा जहाज आ रहा था। हमने उनसे मदद मांगी। बाद में पता चला कि उसमें डाकू बैठे थे। उन्होंने हम दोनों को कैदी बना लिया। वो 60 डाकू थे। सभी चाहते थे कि मैं उनकी सेविका बन जाऊँ। इसी वजह से सभी आपस में लड़ने लगे। अंत में एक डाकू ने सबको मार दिया।
और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी सेविका नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरे मालिक को सेविका चाहिए, मैं उनको तुम्हें सौंप दूंगा। उसने मुझसे पूछा कि ये आदमी कौन है, तो मैंने बताया कि वो मेरा पति है। ये सुनते ही उस डाकू ने मेरे पति को जहाज से नीचे फेंक दिया। शहजादी ने आगे कहा कि तभी उस समुद्र में वो राक्षस आ गया जिसने जैनसा आपने मुझे बचाया, वो मुझे उस डाकू से छुड़वा कर यहाँ जंगल की इस गुफा में ले आया। शहजादी की इस कहानी को सुनते ही जैनसम ने कहा कि तुम आप सुरक्षित हो, मेरे साथ जो 49 युवा लड़के हैं वो सभी हैरन के शहजादे हैं, तुम इनमें से किसी से भी शादी कर सकती हो। शहजादी ने जैनसम से कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे ही, आपने ही मेरी जान बचाई है। सभी शहजादों ने इस बात को मान लिया। अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। खुशी के मारे जैनसम ने भी अपना सच सबको बता दिया। जैनसम ने कहा कि मैं भी एक शहजादा ही हूँ। उसने अपने सभी भाइयों को बताया कि मैं फिरोज माँ का बेटा हूँ, जिसे चचेरे भाई सुमेर ने अपने राज्य में पाला पोसा है। ये सुनते ही शहजादी ने कहा, मुझे आप तो पहले से ही शहजादे जैसे लगते थे। इस बात को सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन जैनसम से उसके भाइयों को जलन होने लगी। उनके मन में हुआ कि अब्बा इसे भी अब इतना ही मान देते हैं, अगर उन्हें पता चला कि ये उनका ही बेटा है तो वो अपना सब कुछ इसी के नाम कर देंगे। इतना सोचते सोचते ही सभी शहजादों ने जैनसम को जान से मारने की योजना बना ली। उसे रात भर पीटते रहे और जब उसे उन्हें लगा कि वे मर गया है तो वहाँ से भाग गए। उसके बाद सारे शहजादे अपने राजा हैरन चले गए। सुबह होते ही उस लड़की ने अपने पति को बाहर बुरी हालत में पड़ा देखा तो रोने लगी। कुछ देर बाद शांत होने पर उसने देखा कि उसकी पति की सांसें चल रही है। वे वहां से भागकर हकीम को ढूंढने चले गए। जब वापस लौटी तो देखा उसका पति वहां नहीं था। हकीम ने कहा कि हो सकता है कि कोई जंगली जानवर उसे उठाकर ले गया हो। इतना कहकर हकीम उस शहजादी को अपने साथ घर ले गया। कुछ दिनों बाद उस हकीम ने शहजादी से कहा, बेटा तुम अपने बारे में बताओ क्या हुआ था। उसने रोते हुए अपने पिता और पति की मृत्यु, राक्षस और अपने नए पति जैनसम के बारे में सब कुछ बता दिया। वो हकीम जैनसम और उसकी माँ को जानता था। उसने कहा, शहजादी शायद आपको नहीं पता, लेकिन महाराज ने जैनसम की माँ फिरोज को अपने पास वापस बुलवा लिया है और उन्हें पता चल गया है कि जैनसम उनका बेटा है। तब से ही वो बहुत परेशान है। इतना कहकर उस हकीम ने कहा कि चलो मैं तुम्हें हैरन राज्य ले चलता हूँ। शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं इन सभी शहजादों के बारे में बादशाह को बता दूंगी। हकीम ने लड़की को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर तुम्हें शहजादों ने देख लिया तो वह तुम्हें भी मार डालेंगे। पहले मैं जाकर बादशाह की पत्नी यानी जैनसम की माँ से मिलकर उन्हें सब बात बता दूंगा। हैरन पहुँच कर हकीम किसी तरह से मलिक फिरोज से मिला और उन्होंने जैनसम उसकी पत्नी राक्षस के साथ ये अन्य सभी बातें उन्हें बता दी। ये सब जानकर फिरोज की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने हकीम से कहा कि तुम कल मेरी बहू को यहाँ ले आना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। हकीम वहाँ से चला गया और बेगम फिरोज रोते रोते बेहोश हो गई। इस बात की खबर मिलते ही बादशाह फिरोज से मिलने आए और तबीयत खराब होने के कारण पूछने लगे। बेगम फिरोज ने हकीम द्वारा बताई गई सारी बातें बादशाह को बता दी। ये जानते ही बादशाह ने अपने सभी 49 बेटों को जैनसम को मारने के आरोप में कारागार में बंद करने का आदेश दिया। सैनिकों ने बादशाह के आदेश का पालन करते हुए सभी शहजादों को कारागार में डाल दिया। सुबह होते ही हकीम जैनसम की पत्नी को लेकर महल पहुंच गया। बादशाह और उसकी बेगम ने उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया। तीनों जैनसम की याद में कई दिनों तक दुखी रहे। फिर जैनसम ने बादशाह से अपने पति के हत्यारों को सजा देने की मांग की। बादशाह ने तुरंत सभी शहजादों को 4 दिन बाद मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इधर हैरन का पुराना दुश्मन जैनसम के मारने की खबर मिलते ही राजे पर फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसने तैयारी खत्म करते ही राजे पर हमला कर दिया। कुछ देर हैरन के सैनिक उनसे लड़ते रहे, लेकिन वो उन्हें राजे को घुसने से रोक नहीं पाए। तब वे घोड़े पर सवार एक युवक कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने कुछ ही देर में दुश्मनों को खत्म कर दिया। बादशाह उस युवक को धन्यवाद करने के लिए आगे बढ़े। तभी बादशाह ने देखा कि वो कोई और नहीं जैनसम ही है। जैनसम को देखते ही बादशाह ने उसे गले लगा लिया। उसे जिंदा देखकर बादशाह इतने खुश थे कि उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। जैनसम ने खुद ही कहा, मैं आपका बेटा हूँ, सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन मुझे किसान ने जख्मी हालत में उठाकर अपने गांव ले गया। उसने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गया। जब मैंने अपने राजा वापस आने की सोची तो पता चला कि हैरन का दुश्मन हमारे राजा पर हमला करने वाला है। तब मैंने गांव के नौजवानों को लड़ाई का प्रशिक्षण दिया और सबको अपने साथ यहाँ लेकर आ गया। ये सब सुनकर बादशाह ने उसे अपने महल जाकर माँ से मिलने को कहा। जैनसम वहाँ जाकर माँ से मिला और वहाँ अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। तभी बादशाह वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि
जय संग तुम बहुत साहसी हो, राक्षस से तुम्हारी लड़ाई और अन्य सारी चीजों में जानता हूँ। जनसम ने कहा कि अब्बा आपको ये सब भाइयों ने बताया होगा ना। गुस्से से बादशाह ने जनसम से उनका नाम न लेने को कहा। जनसम की माँ ने उसे बताया कि हम सबको पता है कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की थी। अब तुम्हारे सभी भाइयों को सजा मिलेगी, उनको बादशाह मृत्युदंड सुना चुके हैं। ये सुनकर जनसम ने बादशाह से कहा कि वो आपके बेटे और मेरे भाई हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दीजिए। हाँ, उन्होंने काफी बड़ा गुनाह किया है, लेकिन उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। जनसम की बात मानकर तुरंत बादशाह ने सैनिकों से शहजादों को बंदी गृह से उनके पास लाने के लिए कहा। जैसे ही सारे शहजादे वहाँ पहुँचे, जनसम ने उन्हें गले से लगा लिया। ये सब देखकर बादशाह ने खुश होकर जनसम को राज्य का युवराज घोषित कर दिया। फिर बादशाह ने युवराज जनसम की जान बचाने वाले किसान और उनकी बहू को वहाँ लाने के लिए हकीम को काफी सारा इनाम दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी दरियावार की शहजादी। आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।